नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार सरकार की तरफ से जारी किए गए लॉकडाउन के बाद नए नियमों के बारे में। कोविड-19 के देश भर में बढ़ रहे माहौल के बीच बिहार में लॉकडाउन के फैसले का असर साफ तौर पर देखने को मिल गया है। यही कारण है कि बिहार सरकार ने एहतियाती कदम बरकरार रखते हुए 25 मई तक के लिए लॉकडाउन के फैसले को बढ़ा दिया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार के इस निर्णय की जानकारी ट्वीट कर खुद ही दी थी। वहीं पिछले लॉकडाउन की तुलना में इस बार अधिक सख्ती दिखाई जाने वाली है। बिहार सरकार के नए नियमों के अनुसार शादी समारोह में 50 लोगों की बजाय अब केवल 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। हालांकि शादी विवाह को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी व्यक्तिगत तौर पर आग्रह करते हुए ऐसे समय में इस तरीके के समारोह के आयोजन को नहीं करने की अपील की थी, लेकिन कुछ कारणवश जो शादी विवाह नहीं टाले जा सकते उन्हें शादी विवाह में सिर्फ 20 लोगों की उपस्थिति में ही शादी का आयोजन करवाया जाना होगा। हालांकि इतनी कम लोगों के साथ भी कोविड से बचाव से संबंधित मानदंड का पालन करना अनिवार्य है। इसके साथ ही पुलिस स्टेशन पर इस संबंध में सूचित कर परमिशन लेना भी अनिवार्य किया गया है। मुख्य सचिव की तरफ से मीडिया को जानकारी दे दी गई है कि बिहार में शहरी क्षेत्र की दुकान के खुलने के समय में कटौती कर दी गई है। पहले यह समय 11 बजे तक का ही था, वहीं अब इस समय को 6 बजे सुबह से लेकर 10 बजे सुबह तक का कर दिया गया है। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकान खोलने की छूट दी गई है। इसके साथ ही बिहार सरकार ने खरीफ फसलों की रोपाई को देखते हुए बीज दुकान खोलने में छूट दी है, जिसके परिणाम स्वरूप अभी इसकी दुकान सोमवार और शुक्रवार को सुबह 4 घंटे के लिए खोले जा सकते हैं। वहीं सरकार ने आरा मशीन की दुकान को भी खोलने में छूट दे दी है। इसके अलावा पहले से लगे सभी प्रतिबंध को यथावत रखा गया है, जिसके तहत अभी भी रेस्टोरेंट होटल पूरी तरीके से बंद रहेंगे। भोजन की होम डिलीवरी भी 9 बजे से रात 9 बजे तक के बीच की जाएगी। सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेलकूद, शैक्षणिक, मनोरंजनात्मक कार्यक्रम पर रोक रहेगी। स्टेडियम, पार्क, स्विमिंग पूल, शॉपिंग मॉल, क्लब, जिम को बंद रखा जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में लॉकडाउन के फैसले के बाद से मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। यही कारण है कि सरकार ने इस फैसले को सराहनीय माना है। नए संक्रमण और जान गंवाने वालों की संख्या में भारी गिरावट देखते हुए सरकार ने इस अवधि को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही बीते दिन जारी किए गए नियमों के अनुसार सरकार कोविड-19 सेंटर और अस्पतालों में सामुदायिक किचन का संचालन करने का फैसला सुना चुकी है और इसी तर्ज पर निजी अस्पताल में मरीज तथा अटेंडेंट की सुविधा बढ़ा सकेंगे। इसके साथ ही कोविड-19 के माहौल में बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए मनरेगा और शहरी रोजगार योजना के तहत कराए जाने वाले कार्यों को सरकार ने अनुमति दे दी है। इस बार सरकार ने एक अन्य बड़े फैसले के अनुसार राशन कार्ड धारकों को मई महीने में दिए जाने वाले राशन का किसी प्रकार की राशि नहीं लिए जाने का निर्णय लिया है, जिसका भार राज्य सरकार खुद वहन करेगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और जिला स्तर पर MBBS डिग्री धारी चिकित्सा पदाधिकारी के संविदागत नियोजन के लिए आयोजन वक्त एवं इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों को छूट दी जाएगी। इसके तहत वो साक्षात्कार स्थल पर पहुंच सकेंगे। अभ्यर्थियों को शैक्षणिक दस्तावेज की प्रति पुलिस को हालांकि इस दौरान दिखानी होगी। इस दौरान निर्माण सामग्री, बीज, खाद की दुकान सप्ताह में 2 दिन सोमवार और गुरुवार को खोली जाएंगी। इसका समय सुबह 6 बजे से दिन के 10 बजे के लिए निर्धारित किया गया है। फेरी लगाकर फल सब्जी बेचने वालों को लॉकडाउन के प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है, जिसके तहत अब फेरी लगाकर के फल सब्जी बेचने वाले लोग मोहल्ले में घूमकर बिक्री कर सकेंगे। इसके साथ ही बीते दिन जारी किए गए आदेश में यह भी साफ कर दिया गया है कि सरकार की तरफ से जारी किए गए नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 517 और धारा 188 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके अनुसार बिहार सरकार की तरफ से जारी किए गए 25 मई तक लॉकडाउन का फैसला सही है या नहीं, अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।